हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर लाइक माय वीडियोस। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। टुडे आई एम गिविंग यू नोट्स ऑफ बीएससी 6 सेम फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ चैप्टर फोटो केमिस्ट्री इन वेरी इजी एंड सिंपल लैंग्वेज विच यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो लेट स्टार्ट आर चैप्टर विद। वैसे आप सबको पता है कि आपके जो फोटो केमिस्ट्री चैप्टर है वो एक सेक्शन ए का है इन फिजिकल केमिस्ट्री बुक। सो इन सेक्शन ए टू चैप्टर्स आर देयर। फर्स्ट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंड इज फोटो केमिस्ट्री। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है वो थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, तो अगर आप उसको छोड़ के भी जाएंगे तो आपको इतना उसका नुकसान नहीं होगा। तो आप फोटो केमिस्ट्री अगर चैप्टर करके जाते हैं, ये बहुत इजी लैंग्वेज में भी मैं आपको नोट्स दे रही हूँ इसके। और अब जो मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ हमेशा की तरह, हमेशा जो वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो टुडे नाउ फर्स्ट टॉपिक इज एंड फर्स्ट डेफिनेशन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस की मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखी हैं, आपको जौन सी ईजी लगे आप वो वाली लर्न कर सकते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है? आर दोज रिएक्शंस विच आर इंड्यूस्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑन द रिएक्टेंट्स। एक ऐसी रिएक्शन जिस पे किसी लाइट की एब्जॉर्प्शन पड़ने से रिएक्टेंट्स के ऊपर, अल्ट्रावायलेट लाइट रेज कह लो या कोई विजिबल रेज कह लो, तो उन रेज की वजह से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल का मतलब ही यही है कि उसमें फोटोसिंथेसिस, मतलब हमें रेज भी मिल रही है, और केमिकल का मतलब कि उसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और एक सेकंड डेफिनेशन मैंने इसमें बताई है जो मैंने इस साइड लिखी है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवेटेड बाय रेडिएशन ऑफ सफिशियंट एनर्जी रिजल्टिंग इनटू केमिकल रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय रेडिएशन विच लाई इन विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रीजन बिटवीन 8000 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम। ये थी एक सेकेंड डेफिनेशन। उसके बाद ये एग्जाम्पल हैं जो आपको नोट करने हैं, ठीक है। ये मैंने फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ आपको एक जनरल नॉलेज दिया है, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये 3 मार्क्स में आता है तो आपको कम से कम 6 पॉइंट्स आपको लिख के आने पड़ेंगे इसके डिफरेंस में। और मैक्सिमम मैंने देखा है कि ये 3 मार्क्स में ही आता है, ठीक है। तो मैंने आपको इतने पॉइंट्स दिए हैं ताकि आप अपने ढंग से इसको लिख सकें। फर्स्ट पॉइंट है, दीज आर अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। इफ दीज रिएक्शंस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज प्रोवाइडेड बाय कोलिजन्स, दीज रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, जिसमें डेल जी जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए जो थर्मल रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट इज रेट ऑफ थर्मल रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। फिफ्थ, थर्मल रिएक्शन आर नॉट सेलेक्टिव, दे कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स टू सेम एक्सटेंट। सिक्स्थ, दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इवन इन डार्कनेस, देयर मैकेनिज्म इज कंपैरेटिवली सिंपल, और सिंपल रिएक्शन भी बोला जाता है इनके मैकेनिज्म को। इसमें मैंने आपको 7 पॉइंट्स दिए हैं, अगर आपको कोई भी 6 याद हो जाते हैं तो आप वो 6 लिख के आ सकते हैं अपने एग्जाम में। नाउ देन इज फोटोकेमिकल, इसमें भी मैंने आपको 7 पॉइंट्स दिए हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। और आपको कुछ भी मेरे नोट्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको साथ के साथ ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री।
इसमें आपको दो लॉज करने हैं, ग्रोटस ड्रैपर लॉ, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज ग्रोटस ड्रैपर लॉ। दिस इज प्योरली अ क्वालिटेटिव लॉ विच स्टेट्स दैट वन लाइट इंसिडेंट्स ऑन एनी सब्सटेंस ओनली द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस कैन ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। इसमें ग्रोटस ड्रैपर लॉ ने ये कहा कि अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, तो कुछ फ्रैक्शन ही उस इंसिडेंट लाइट का एब्जॉर्ब होता है, सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो केमिकल चेंज में अपनी अपनी रिएक्शन में वो उसका यूज़ कर सके। रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसमिटेड लाइट डू नॉट प्ले एनी रोल इन केमिकल रिएक्शन। कि जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट है वो उसका केमिकल रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ एक इंसिडेंट लाइट है जिसका रोल है। हाउएवर द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन डज नॉट नेसेसरली कॉज अ केमिकल रिएक्शन। कि जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है उनका इस केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वेन द कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर द केमिकल रिएक्शन द एब्जॉर्ब लाइट मे बी री एमिटेड एज हीट और लाइट रिमेन्स अनयूज। कई बार क्या होता है कि अगर वो वाली कंडीशंस उस पर सेटिस्फाई नहीं हो रही उस केमिकल रिएक्शन पे, तो एब्जॉर्ब लाइट क्या करती है, वो या फिर री एमिट हो जाएगी या फिर वो अनयूज, मतलब उस रेज जो वहाँ पे उस रिएक्शंस पे पड़ रही है उसका कोई भी यूज़ नहीं है। द लॉ इज सो सिंपल एंड सेल्फ एविडेंट बट इट इज़ प्योरली क्वालिटेटिव इन नेचर। जो ये लॉ है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और क्वालिटेटिव है नेचर में। इट गिव्स नो आइडिया ऑफ द रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एंड मॉलिक्यूल अंडरगोइंग चेंज। इस लॉ ने इनके बारे में कोई भी अपना आइडिया नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद आया सेकेंड लॉ, स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। इन अ फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स अ सिंगल फोटोन ऑफ रेडिएशन कॉजिंग द रिएक्शन एंड इज एक्टिवेटेड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल है रिएक्ट कर रहा है सब्सटेंस के साथ, उसने सिंगल फोटोन बाहर से एक रेडिएशन ली, ठीक है, ताकि वो रिएक्शन हो सके और एक प्रोडक्ट बना सके, ठीक है। जैसे मैंने इसमें दिखाया कि ए प्लस एच म्यू, हमने एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हमें मिला, ठीक है, उसको मैंने ए स्टार से डिनोट किया। ए स्टार को हमने दोबारा से हमने वो उसके साथ रिएक्ट किया, अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ रही थी तो हमें प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू वायर एन इज एवोगाड्रोस नंबर एंड एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। और म्यू को हम सी बाय लैमडा भी लिखते हैं, जहाँ पे सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, लैमडा क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी। इसमें आपको मेन एक एग्जांपल ये फॉर्मूला याद करना है जो आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड पर फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज टर्म्ड क्वांटम यील्ड, इट इज डिनोटेड बाय फाई, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड अपॉन में नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड फॉर ए रिएक्शन दैट ऑब्वियस स्ट्रिक्टली द आइंस्टाइन लॉ, वन मॉलिक्यूल डिकम्पोजिस पर फोटोन। अगर फाई की वैल्यू वन है, व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स आर डिकम्पोज्ड वन पर फोटोन, तो फाई की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तो रिएक्शन हैज हाई क्वांटम यील्ड। उस अगर फाई की वैल्यू वन से बड़ी आती है तो उसकी जो क्वांटम यील्ड है वो बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर उसकी वन से कम आती है तो उस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड बहुत कम आएगी, ठीक है। ये आपको लिख के आना है क्वांटम यील्ड की इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम अब करेंगे रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड। ये हैं रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड और लो क्वांटम यील्ड। इसमें आपको एग्जांपल्स लिख के आने हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन सब्स्टिट्यूटिंग टू प्राइमरी रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्राइमरी रिएक्शन और मैंने सेकेंडरी रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें इसका क्वांटम यील्ड टू आया था, तो इसका मतलब कि ये हाई क्वांटम यील्ड है।
उसके बाद है रीजंस फॉर लो क्वांटम यील्ड, इसमें भी आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे के आने हैं। ये कई बार क्वेश्चन कंपलसरी में भी आता है और कई बार सेक्शन में आ जाता है पूरा कंप्लीट कि क्वांटम यील्ड को डिफाइन करो, उसके बाद उसके हाई क्वांटम यील्ड और लो क्वांटम यील्ड के रीजंस बताओ। नाउ नेक्स्ट इज जेबलोनोस्की डायग्राम। ये डायग्राम और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये हर साल एग्ज़ाम में आता है हर साल, ठीक है। द एब्जॉर्ब लाइट मे रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ अदर फिनोमिना इन एडिशन टू फोटोकेमिकल चेंज विच मे बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ जेबलोनोस्की डायग्राम। इसमें क्या है, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ, बाद में मैं आपको इसका डायग्राम समझाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें आपको ये लिख के आना है, मोस्ट मॉलिक्यूल पोजेस एन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन ग्राउंड स्टेट। द स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट इज गिवन बाय 2s+1 वेयर s इज टोटल इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। मान लो कोई भी आपने स्पिन्स लिए, उसके लिए आपको मल्टीप्लिसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है 2s+1। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, वेन द स्पिन्स आर पेयर्ड, अगर स्पिन्स पेयर्ड हैं तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कैंसल्ड बाय एंटी क्लॉकवाइज, तो एस क्या हो जाएगा, कैपिटल एस, s1+s2 यानी कि 1/2 - 1/2 दैट इज जीरो, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, 1। दिस इज नोन एज सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, द मॉलिक्यूल इन द सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। नाउ सेकेंड इज ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सूटेबल एनर्जी, वन ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गोज टू हायर एनर्जी लेवल, द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स मे बी आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर पैरेलल हैं दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों स्पिन जो हैं वो 1/2 और 1/2 होंगे, तो कैपिटल एस कितना आ गया, 1, तो 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, 3, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में है। नाउ अगर वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि एक उसका स्पिन होएगा 1/2, एक होएगा -1/2, तो 2s+1 = 1, तो टोटल दिस इज कॉल्ड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। प्लीज रोट दिस टॉपिक। सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द हाई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एब्जॉर्ब्ड वी गेट। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा ग्राउंड स्टेट से, वो किस एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वो उसकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट है जैसे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, जैसे s1 हो गया, s2 हो गया, s3, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, सेकेंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, T1, T2, इसको हम डायग्राम में हमने इसको इसी नाम से शो किया है। जनरली क्या होगा कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हैज हायर एनर्जी देन द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, इसलिए दस एनर्जी रिक्वायर्ड इज एज फॉलोज। क्या होगी एनर्जी, ES1 की ज़्यादा, ET1 की उससे कम, फिर S2, मतलब कि जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होता है उसकी एनर्जी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा होगी। ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम S0 to S1, S1 में भी जा सकता है वो, S2 में भी जा सकता है और S3 में भी जा सकता है, यानी कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन एब्जॉर्ब्ड एज शोन इन जेबलोनोस्की डायग्राम फॉर विच एक्साइटेड स्टेट देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। अब मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ, जैसे ये देखो, ये S0 है, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, फिर ये भी एक्साइटेड स्टेट, S1, S2, ये सारी क्या है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन T1, T2 और T3 पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ यहीं पे जाएगा। यहाँ पे बाद में इसका मैं बताती हूँ वो किस हेल्प से होएगा। जैसे मान लो अगर वो S1 से T1 में भी जा सकता है, S2 से T2 और S3 से T3, ये देखो S1 पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो T1 में भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है और यहाँ से यहाँ। उसमें आपको बताती हूँ किस वजह से होएगा वो,
वो होएगा कि द मॉलिक्यूल वेदर इट इज सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट इट इज सेट टू बी एक्टिवेटेड टर्न्स ए नोट प्लस एच म्यू इज इक्वल टू एक्स ए स्टार, जैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। है उसके बाद टाइम्स टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, इसमें बीच में टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस होंगी। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग इट्स एनर्जी थ्रू द फॉलोइंग जनरल टाइप ऑफ ट्रांजिशंस। फर्स्ट है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस, उसमें दो तरह की ट्रांजिशंस होती हैं, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस क्या होती हैं, दीज ट्रांजिशंस डू नॉट इन्वॉल्व द एमिशन ऑफ रेडिएशंस, सो दीज आर कॉल्ड नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस डिके। They involve the following two transitions. First is internal conversion. These transitions involve the return of activated molecule from high excited state to first excited state. जैसे S3 से S1, S2 से S1, T3 से T1 और T2 से T1. The energy of activated molecule is given out in the form of heat through molecule collisions. This process is called internal conversion and occurs in less then about 10 raised to power minus 11 second. ठीक है, now second is inter system crossing. The molecule may also lose energy by another process called inter system crossing. These transitions involve the return of activated molecule from states of different spin, that is different multiplicity. Example है जैसे S2 to ST2, S1 से T1. Spectroscopically these transitions are not allowed, that is these transitions are forbidden. Even then they do occurs relatively at, please note this topic. Now we next we will go to another page. Second is radiative transitions. These transitions involve the return of activated molecule from singlet excited state S1 and triplet state T1 to the ground state. These transitions are accompanied by emissions of radiation. These radiative transitions involve two following radiations, fluorescence and phosphorescence. The emission of radiation due to transition from singlet state, यानी कि S1 से अगर S2 में जाती है तो उसको हम कहेंगे fluorescence. These transitions is allowed transitions and occur in about 10 raised to power minus 8 second. Now next is phosphorescence. The emission of radiation due to transition from triplet excited state T1 to ground state S0. उसको हम कहते हैं phosphorescence. ठीक है, जो ये वाली transitions है phosphorescence, ये slow है fluorescence से. ठीक है, अगर कई बार compulsory में question आ जाता है तो आपको कोई example दे देंगे, तो आपको बताना है कि कौन सा स्लो है, तो आपको लिखाना है फॉस्फोरिसेंस जो ट्रांजिशंस है वो हमेशा फ्लोरिसेंस से स्लो रही हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल एक्टिनोमीटर, ये कई बार कंपलसरी में क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जेबल 19 के डायग्राम सिर्फ यहीं तक था और ये मैक्सिमम कई बार 4 या 6 मार्क्स में भी आ जा जाता है, सिर्फ एक पार्ट आ जाता है इस चैप्टर में से, तो आपको ये तो बिल्कुल लर्न करके जाना है टॉपिक। नेक्स्ट इज लुमिनिसेंस, इट इज अ फोटो प्रोसेस। लुमिनिसेंस क्या है, इसके ना तीन तरीके के टाइप हैं, फर्स्ट है फ्लोरिसेंस, सेकंड है फॉस्फोरिसेंस, थर्ड है केमिकल लुमिनिसेंस। तो आपको लुमिनिसेंस पता होना चाहिए क्या है, कई बार आ जाता है कि व्हाट इज लुमिनिसेंस एंड गिव देयर टाइप्स। फर्स्ट इज फ्लोरिसेंस, इट इज अ रेडिएटिव प्रोसेस,
लूजिंग एनर्जी बाय एक्साइटेड मॉलिक्यूल, एस नॉट प्लस एच म्यू एस वन में जाएगा और एस वन से अगर एस नॉट और एच म्यू में भी जा सकता है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं या नहीं।